हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ सिंपली। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ। तो एक्चुअली फ्रिज को साफ़ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें भी टाइम के साथ बहुत गंदगी वगैरह हो जाती है। तो फ्रिज को भी रेगुलर बेसिस पे उसे साफ़ करना चाहिए। तो मैं जब भी ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, उसके पहले एक बार फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रिज भी साफ़ हो जाता है और दूसरा हमारी ग्रॉसरी की प्लानिंग हो जाती है। जैसे हमारे पास जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह रखी होती हैं पहले की, तो हमें ध्यान होता है कि हमें वो वाली सब्ज़ियाँ नहीं ख़रीदनी है, तो हम उस हिसाब से अपनी ग्रॉसरी भी प्लान कर सकते हैं। तो आज मैं ग्रॉसरी लेने जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज साफ़ किया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो ये है एक ओवरऑल लुक मेरे फ्रिज का। यहाँ पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स के मार्क वगैरह हैं वो फ्रिज पर लगते रहते हैं। ये डोर पोर्शन है फ्रिज की। तो सबसे पहले मैं फ्रिज को खाली कर लेती हूँ और फ्रिज को उसके पहले मैं ऑफ़ कर लूँगी। तो अब मैं फ्रिज को खाली कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रिज में कितनी लाइक गंदगी हो रही है। जब भी हम फ्रिज में जो भी कंटेनर्स और यूटेंसिल्स रखे रहने देते हैं, उसके नीचे की जो गंदगी है वो हमें दिखती नहीं है, पर जब भी हम उसे हटाते हैं तो फ्रिज बहुत ही गंदा दिखता है। ये मैंने एक सोल्यूशन बना रखा है 50% विनेगर और 50% वाटर का। इसे मैं पूरे फ्रिज में अच्छे से स्प्रेड करूँगी। इससे जो भी गंदगी है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और ये जो फ्रूट बास्केट्स हैं उन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी बाहर निकाल के। और अब एक माइक्रोफाइबर क्लोथ से पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। विनेगर से जो भी डर्ट वगैरह होती है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो काउंटर टॉप, फ्रिज वगैरह सभी चीज़ें मैं इसी से साफ़ करती हूँ। ये पूरा फ्रिज साफ़ हो चुका है। और अब मैं जो फ्रूट बास्केट है उसके अंदर एक टिश्यू लाइनर लगा दूंगी, ताकि जो भी वेजिटेबल्स का मॉइस्चर वगैरह वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए और वेजिटेबल्स काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहें। मैं दोनों बास्केट में टिश्यू लाइनर लगाती हूँ और ऊपर वाली बास्केट में भी एक टिश्यू लाइनर लगाऊँगी। और अब मैं फ्रिज को पूरे तरीके से अच्छे से जमा लूँगी। जमाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। और अब मैं फ्रिज चालू कर दूंगी और इसे कोल्डेस्ट पे कर दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने फ्रिज को। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है फ्रिज का, इसमें मैं अपने बटर और जो भी एक्स्ट्रा सॉस की बॉटल्स है और कसूरी मेथी है वो रखती हूँ। उस डब्बे में कसूरी मेथी है। और ये जो सेकेंड शेल्फ है, इसमें मैं सिर्फ वही आइटम रखती हूँ जो इमीडिएट कंज्यूम करने का होता है, जैसे कि जो भी रात की बची हुई सब्ज़ी वगैरह है। और जैसे ये मैं पिंड खजूर का बॉक्स लेके आई थी,
तो इसे मैं डेली एक खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने इसे सेकेंड शेल्फ में रखा हुआ है। इसमें मैं टोमेटो रखती हूँ। एक्चुअली टमाटर बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो दूसरी वेजिटेबल्स के साथ रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक टिश्यू लाइनर लगा के इसे रखती हूँ। और ये है लास्ट शेल्फ, तो इसमें मैं दूध, दही और ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। पीछे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये दूध की बॉटल है और इसमें दही है। और लास्ट जो दो शेल्फ हैं उसमें मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ। इसको भी मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है कि ये जो शेल्फ है इसमें मैं वो वेजिटेबल्स रखती हूँ जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि ककड़ी हुई या फिर धनिया पत्ती हुई, वो सब वेजिटेबल्स मैं इसमें रखती हूँ। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सबसे पहले यही शेल्फ खोलती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ध्यान होता है कि कौन सी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है और कौन सी पहले बनानी है। और इस शेल्फ में मैं वो सब्ज़ी रखती हूँ जो कि ज़्यादा दिन टिक सकती है, जैसे कि पत्ता गोभी, लौकी वगैरह, तो वो मैं इस शेल्फ में रखती हूँ। अभी मुझे ग्रॉसरी लेके आनी है तो मेरे पास कुछ भी सब्ज़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं गाजर है और कुछ धनिया पत्ती हैं, तो इसलिए मैंने उसे उस शेल्फ में रखा है क्योंकि ये पुरानी सब्ज़ियाँ हैं, तो जो भी नई सब्ज़ियाँ आएंगी वो उस शेल्फ में जाएगी। तो ये है एक ओवरऑल लुक। अभी फ्रिज काफ़ी खाली है क्योंकि मैं ग्रॉसरी लेने जाने ही वाली हूँ। और डोर की बात करें तो यहाँ पे मैंने दूध मसाले रखे हुए हैं और केसर है। इस शेल्फ में मैंने अदरक, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता रखा हुआ है। मैं एक्चुअली सभी चीज़ें बॉक्स में रखती हूँ, लेकिन ये बॉक्स अभी भरा हुआ था इसलिए अदरक मैंने बाहर रखा हुआ है। इसे मैं ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि ये फटाफट आसानी से निकल जाता है। इससे करते हैं इस शेल्फ की, तो एक्चुअली ये दही के डब्बे हैं, लेकिन मैं इसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स रखने के काम लेती हूँ। जैसे इसमें मैंने बादाम रख रखे हैं और इसमें मैंने वॉलनट्स रखे हुए हैं। एक्चुअली ये दोनों ड्राई फ्रूट्स हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे सोक्ड एलमंड्स और वॉलनट्स हम लोग इवनिंग में खाते हैं, तो ये दोनों इजीली एक्सेसिबल हों इसके लिए मैंने ऐसे रखे हुए हैं। ये कुछ सॉस की बॉटल्स है, कुछ मीठी चटनी है और ये मैं इमली लेके आई थी, मुझे इसकी चटनी बनानी है। और कॉफ़ी पाउडर, बेकिंग पाउडर वगैरह सब इस शेल्फ में है। लास्ट शेल्फ की बात करें तो इसमें मैंने लाइम जूस रखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसे ऊपर रखना चाहती थी, लेकिन इसकी बॉटल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, इसके लिए मैंने नीचे रखा है। और यहाँ पर जितने भी हैं सारे मसाले हैं, जैसे छोला मसाला, चना मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, बेकिंग सोडा, चाट मसाला, और पीछे जो हैं ये सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर हैं। आप देख सकते हैं कि जो सोया सॉस की बॉटल है मैं उसे हमेशा एक एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके रखती हूँ, ताकि जो नीचे का फ्रिज है वो ख़राब ना हो। तो ये है मेरा टोटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रिज का। एक्चुअली मैं फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, जो लिमिटेड रहता है वही रखती हूँ। और यही है मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।